नमस्कार, काम की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। काम की बात में आज फिर से हम लेकर हाजिर हैं कुछ ऐसे विषय के ऊपर जो कि आपको हैरान करके रख देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब महीना 30 से 31 दिन का होता है तो टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों का रिचार्ज प्लान क्यों लाती हैं? भारत में जब भी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों की बात होती है तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का नाम आता है। ये सभी कंपनियां महीने भर का रिचार्ज तो ऑफर करती हैं, लेकिन सिर्फ 28 दिन के लिए। ये टेलीकॉम कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? आइए जानते हैं कि इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। तो इसको समझने के लिए बता दें कि आपको बेसिकली तीन तरह के रिचार्ज प्लान होते हैं। टेलीकॉम कंपनियां तीन तरह के प्लान लेकर आती हैं, एक 28 दिन के लिए, दूसरा 56 दिन के लिए और तीसरा 84 दिन के लिए आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करके ये कंपनियां आपसे एक महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाती हैं और आपसे पैसा कमाती हैं। मान लीजिए कि अगर आप हर महीने 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो ऐसे में आप पूरे साल 12 महीने का नहीं बल्कि पूरे साल में 13 महीने का रिचार्ज कराते हैं। तो ऐसे में फिर क्या किया जा सकता है? ऐसे में आप 28 के बजाय 30 दिनों वाला प्लान चुने, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान चुनते हैं तो साल भर में कम से कम 13 रिचार्ज जो है आपको करवाने होंगे। अगर यह मंथली प्लान है तो साल में केवल 12 रिचार्ज की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि 28 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करने पर केवल 336 दिन होता है। तो इस तरह से 365 दिनों में पूरे 29 दिन कम पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तीन महीने का रिचार्ज प्लान चुनने के वक्त 84 के बजाय 90 दिनों वाला प्लान चुनिए, क्योंकि 84 दिनों का रिचार्ज करने पर भी पिछला समीकरण ही लागू होता है। अगर 84 दिनों के प्लान से आप 4 बार भी रिचार्ज करें तब भी एक महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना होगा, क्योंकि 84 × 4 करें तो कुल जो है 336 दिन ही हो रहे हैं, और अभी फिर से 29 दिन जो बाकी बच जाते हैं उनके लिए आपको फिर से अलग से रिचार्ज करवाने की जरूरत पड़ती ही है। यही वजह है कि कंपनियां 28 दिनों के मंथली प्लान ऑफर करती हैं जिससे उनके सब्सक्राइबर्स ये एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाएं। तो आगे से रिचार्ज करवाते वक्त 28 या 84 दिन वाला प्लान नहीं चुनिएगा, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। तो काम की बात में फिलहाल इतना ही, कुछ ऐसी ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, और यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।